नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के थ्रू आप सब तक आयुर्वेदा और उसमें भी सफेद दाग की बहुत सारी बातें शेयर करती हूं, ताकि आप मेरे वीडियो को देखकर आयुर्वेदा अपना सके और जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। आज के इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या सफेद दाग के रोगियों को सर्जरी कराकर दाग ठीक करने चाहिए, क्या सर्जरी कराना ल्यूपोडर्मा में या विटिलिगो में एक इफेक्टिव मेथड है, या सर्जरी से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सफेद दाग के रोगी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सफेद दाग एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारे स्किन में, हमारी त्वचा में सफेद रंग की अलग अलग जगह पर चकत्ते या दाग या धब्बे बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी त्वचा में एक सेल होते हैं मेलानोसाइट्स। ये या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यानी कि नष्ट हो जाते हैं, या ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। जब ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते तो ये पिगमेंट बनाते हैं मेलानिन नाम का तत्व। वो पिगमेंट हमारे स्किन की नॉर्मल कलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेलानोसाइट कोशिकाएं ये पिगमेंट नहीं बना पाती, तब हमारे शरीर में या हमारी त्वचा में सफेद सफेद रंग के दाग पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे हम ल्यूकोडर्मा बुलाते हैं या विटिलिगो बुलाते हैं। और कई बार मेरे से पेशेंट सवाल करते हैं कि हम इससे तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्या किसी सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हम इसे ठीक नहीं कर सकते, क्या सर्जरी कराना सफेद दाग के लिए ठीक है? मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और आयुर्वेदा के हिसाब से सर्जरी तब तक नहीं करानी चाहिए जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना हो, क्योंकि सर्जरी जो है वो सिर्फ ऊपर से इन्वेजन करती है, अंदर से हमारे शरीर का बैलेंस ठीक नहीं करती। अगर हम सफेद दाग के बारे में बात करें तो यकीनन सफेद दाग के ज्यादातर रोगियों में सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए। आयुर्वेदा की बात सुने तो 100% नहीं करानी चाहिए, पर मैं बहुत टाइम से सफेद दाग के रोगियों के साथ जुड़ी हूं और आजकल की लाइफ पहले की लाइफ से बहुत अलग है। पहले आयुर्वेदिक लोग लाइफ जीते थे, आजकल की लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न हो गया है, जिसकी वजह से हमें वैसे रिजल्ट्स कई बार हर केस में नहीं मिलते जैसे मिलने चाहिए। तो अगर मैं अपने तजुर्बे से बात करूं तो अगर आप 100 सफेद दाग के डिफरेंट पेशेंट से मिलते हो तो उनमें से 2 पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें वाकई ही सर्जरी से फायदा हो सकता है। 2% से मेरा मतलब है कि अगर मैं 100 लोगों से मिलती हूँ, 100 सफेद दाग के लोगों को मिलती हूँ, तो उसमें से 2 लोग ही शायद ऐसे होंगे जिनको मैं सर्जरी रेकमेंड कर सकती हूँ। बाकी 98% लोगों में सर्जरी कराना बहुत रिस्की हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो क्या आप उन्हीं 2% में आते हैं? तो आप सर्जरी करा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वो 2% लोगों के क्या लक्षण हो सकते हैं, बाकी एक 98% लोगों को सर्जरी नहीं करानी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि सर्जरी से उन्हें नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब सफेद दाग बढ़ रहे हैं या जब सफेद दाग की बीमारी अंदर से एक्टिव है, तब तो सर्जरी कराना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सर्जरी जो है वो एक चोट का, एक इंजरी का काम करती है। और आपने पहले भी सुना होगा या आपको इस बात की जरूर जानकारी होगी कि अगर सफेद दाग के रोगी में चोट लगती है तो वहां सफेद दाग बन सकता है, या बार बार चोट लगने से सफेद दाग बढ़ते हैं। इस फिनोमिना को हम कॉमनर फिनोमिना के नाम से जानते हैं, जो कि एलोपैथी में भी काफी फेमस है और आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। तो चोट से, किसी तरह की सर्जरी से हमेशा सफेद दाग के रोगी को बचना चाहिए। तो अगर आपकी डिजीज बढ़ रही है, उसमें नए नए दाग दिखते हैं, या बहुत ज्यादा डिजीज फैल चुकी है, तो उन केसेस में तो सर्जरी कराने का कोई फायदा नहीं है। सर्जरी हम कहाँ करा सकते हैं? इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि दाग जो है वो स्टेबल होने चाहिए, यानी कि आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, किसी अच्छी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपने कुछ समय ट्रीटमेंट ले लिया है, अब आपके काफी दाग ठीक हो गए हैं, जो दाग बढ़ रहे थे वो भी रुक गए हैं, काफी दाग ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ जिद्दी किस्म के दाग बच गए हैं और आप उनमें जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो उस केस में आप सर्जरी अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। मगर उसके साथ भी आपको आयुर्वेदिक दवाएं लेना जरूरी है, अदरवाइज सर्जरी की चोट से दाग बढ़ भी जाते हैं जो कि नुकसान कर सकते हैं।
नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी एक चोट का काम करे और आपके दागों को बढ़ा भी दे। तो यानी कि जब आप समझें कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जब अंदर से आपके शरीर में आयुर्वेदिक दवाओं से बैलेंस बन चुका है और बीमारी लगभग ठीक हो चुकी है, काफी दाग ठीक हो चुके हैं, मगर कुछ दाग इस तरह के हैं कि वो ठीक नहीं हो रहे, तभी आप सर्जरी की राय ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अब आपके शरीर पे इस तरह के दाग हैं जो कि ऐसी जगह पर है जहां पे रिकवरी आना बहुत मुश्किल हो चुका है, तब भी आपको सर्जरी से कम 2 साल पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए ताकि आपके अंदर दोषों का बैलेंस हो चुका हो और आप सर्जरी कराएं तो किसी तरह की चोट से आपका दाग बढ़े नहीं। ऐसी कौन सी जगह के दाग होते हैं जिनकी रिकवरी कई बार मुश्किल आती है? एक तो नेल बेड के तरफ चारों तरफ जो दाग होते हैं उनकी रिकवरी मुश्किल आती है, कई बार लिप्स के दागों में भी रिकवरी मुश्किल आती है। तो अगर आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है, उससे आपके दाग ठीक हुए हैं, कुछ एक दाग रह गए हैं और बीमारी जो है वो पूरी तरह स्टेबिलाइज है, तो कुछ खास कंडीशन में जहां वेट नहीं कर सकते कि इन जिद्दी दागों में भी कलर तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जरूर आएगा लेकिन उसमें कई बार टाइम लगता है, कुछ एक खास कंडीशंस होती है जब आप यूज नहीं करते, कई बार लड़कियों की शादी की उम्र होती है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि अब डिजीज क्योंकि पूरी तरह स्टेबल है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सर्जरी कराएं? तो उस कंडीशन में मैं अपने पेशेंट्स को जरूर सलाह देती हूं कि आप इन 1 या 2 दागों पे सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन सर्जरी तब कराना जब आपके डिजीज एक्टिव है या आपके दाग बड़े हैं तब बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। तीसरा पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाहती हूँ वो ये कि जब आप नेचुरल तरीके से कलर लाते हैं, यानी कि जब आप दवाइयों से कलर लाते हैं, तो आपका कलर जो है वो धीरे धीरे आता है और परफेक्ट कलर आता है। आपकी स्किन को देखकर कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे कभी कोई सफेद दाग था, लेकिन सर्जरी से आया हुआ कलर कभी भी परफेक्टली मैच नहीं होता है, उसमें स्कारिंग यानी कि स्कार बन जाने का, धब्बा बन जाने का डर रहता है, वो कई बार जो है वो ज्यादा डार्क भी हो सकता है और आपको पता चलता है कि यहाँ पर सर्जरी हुई है, यहाँ पे कोई ना कोई निशान रहा है, तो वो निशान बनने का डर हमेशा रहता है। नंबर 4 ये भी हो सकता है कि आप सर्जरी कराएं और आपकी बॉडी, क्योंकि सर्जरी में आप एक जगह की स्किन लाकर दूसरी जगह लगाते हैं, तो कई बार आपकी बॉडी जो है, आपकी स्किन जो है, नई स्किन के पैच को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसे अपनाती नहीं है, तो ऐसे में ग्राफ्ट रिजेक्शन का भी डर रहता है। तो कई बार सर्जरी जो है वो फेलियर की कंडीशन में भी जाती है कि आप पैसा भी लगाएं, सर्जरी भी कराएं और उसके बाद भी वो सर्जरी सक्सेसफुल ना हो, तो ये भी आपको देखना होता है। तो इस तरह से अगर इन कंडीशंस की आपको जानकारी है और आपको लगता है कि अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपके दाग पूरी तरह स्टेबल हैं, वहां पर आप अपने डॉक्टर की सलाह से आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हुए कुछ एक दागों में जल्दी रिजल्ट लाने के लिए उन दागों की सर्जरी करा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से सर्जरी सिर्फ उन्हीं लोगों को रेकमेंड करती हूँ जिनमें मैं ट्रीटमेंट दे चुकी होती हूँ और ये समझ चुकी होती हूँ कि इनमें दोषवश का जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो चुका है, दाग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, नए दाग बढ़ने का कोई चांस नहीं है और वहां पर जो 1-2 दाग हैं जो काफी जिद्दी हैं, जो ठीक नहीं हो रहे और धीरे धीरे ठीक होंगे, उस टाइम पीरियड को बचाने के लिए कई बार मैं सर्जरी रेकमेंड करती हूँ और उस केस में सर्जरी काफी सेफ रहती है जब आप आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहे होते हैं साथ में, तब सर्जरी कराते हैं ऐसे दागों की जो काफी समय से स्टेबल हो, तो नए दाग बनने का चांस नहीं होता, कॉपनर फिनोमिना भी काम नहीं करता है क्योंकि आपकी डिजीज जो है वो बैलेंस अवस्था में आ चुकी होती है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपके भी दाग कुछ इसी परिस्थिति में है तो आप भी अपने डॉक्टर से सलाह करें और उनसे बात करें कि आपके दागों के लिए भी सर्जरी सक्सेसफुल है। अगर आप भी सर्जरी कराना चाहते हैं तो आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि कौन सी तरह की सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई तरह की सर्जरी होती है, कौन सी सर्जरी सफेद दाग के लिए बेनिफिशियल है इस पर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।